महाराज नगर परिषद का जो कैंपस वगैरह का जो जनोद्धार हुआ है, इसमें क्या लागत लगा और मतलब सर कब से चल रहा था योजना, क्या है? माननीय अध्यक्ष महोदय एवं उपाध्यक्ष महोदय एवं माननीय वार्ड पार्षदगण सभी के द्वारा जो बोर्ड ने पारित किया गया था उसके आलोक में नगर के कार्यालय का जीर्णोद्धार कार्य किया गया। साथ ही साथ सभा कक्ष का में भी मॉडिफिकेशन किया गया है और यहाँ पर माननीय अध्यक्ष महोदय के द्वारा रैन बसेरा का भी आज उद्घाटन किया गया। जो नीचे का जो कैंपस का जो हुआ है काम, उसमें प्राकृत राशि 14,99,000 का है। और सर ये जो कुल राशि कितनी है सर इसकी राशि, मतलब ये यहाँ जो हाईटेक किया गया है नीचे भी भवन पर, इसकी राशि 28 लाख है। अच्छा। इसका है पूरा ऑफिस का रंगाई और पुताई भी हुआ है साथ साथ सभी का। सर एक प्रश्न है सर कि जो सफाई के क्रम में जो भी नाले बड़े नाले शहर के बीच से तोड़े गए उनमें ढक्कन नहीं लगाया गया, आज तक नहीं लगा सर, इसका क्या क्यों? नहीं, इसके लिए कनीय अभियंता को बहुत पहले ही दे दिया गया है लेटर कि उसका जो ढक्कन का निर्माण करना है उसके लिए प्राकलित बना करके प्राकलन प्रस्तुत करेंगे, लेकिन अभी तक उनके द्वारा प्राकलन नहीं दिया गया जिसके कारण से ये कार्य रुका हुआ है। अदरवाइज ये कार्य अध्यक्ष महोदया और माननीय पार्षदगण लोग का भी ये प्राथमिकता में है, ये कार्य बहुत जल्दी हो जाएगा। उनके द्वारा जैसे ही दिया जाता है प्राकलन, उसके बाद हम लोग इस कार्य को संपादित कर लेंगे। सर कुछ ऐसे वार्ड हैं जिनको किसी कारण बस लाइट नहीं लग पाए, लगातार इसके लिए सवाल भी उठाया गया, फिर भी आज तक नहीं लगा सर, क्या लाइट के लिए विभागीय स्तर से अभी काम करने के लिए आदेश आया था, उसके बाद फिर रोक लगा दिया गया। हम लोग लाइट का टेंडर किए थे लेकिन बीच में ही विभाग के द्वारा आदेश जो निर्गत किया गया अभी रोक देने के लिए, इससे रुका हुआ है। अदरवाइज जैसे फिर विभाग का निर्देश प्राप्त होता है लाइट लग जाएगी। सर कैमरा के स्तर पर जो भी कैमरे लगाए गए हैं बहुत ऐसे जगह हैं जहाँ छूट गए हैं, उनके लिए क्या कोई विचार? हाँ, उनके लिए आज बोर्ड में लिया गया है प्रस्ताव, जो छूटे गए जगह है उन पर जल्दी ही लगा दिया। कौन सा पकड़े रहिएगा? हाँ अंदर चलिए, चलो ये जी।
काम हमारे केंद्र में होता है। और अभी हम लोग एक बार सर्वे करके भेजे हैं बुद्ध सागर में, जब हमारा भारत सरकार से आवंटन लगा अगर हमारे केंद्रों का तो वहाँ पे अलॉटमेंट होगा। अभी चूँकि आया नहीं है, सर्वे होकर चला गया। मैडम वार्ड पाँच नंबर 23 में भी आने वाली कचरा है जी, जो आप सर्वे करा करके निकाल।